असी जानते हैं कि डिवेलपिंग कंट्री के रिश्वत ज कुछ इदा दल्ला हालांकि पूरी दुनिया के आम होंदिया दोष ये लग्या कि इस एस डी एम ने तो एक ये होर एस डी एम इन दोवां ने उस कंपनी तो रिश्वत मंगी है कि सानू पैसे दिते जाण तां असीं तुहाडे जिहड़े प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं तां तुहाडियां फाइलां पास कर रहे हैं। जेल दे विचों छुट्टी लै के बाहर आके विआह करवाउणा ते विआह करा के फिर उहदे तों बाद 21 फरवरी नूं वापस उहने जेल दे विच चले जाणा ते विआह वी इहदा जज दे नाल हो रहा। एस डी एम रिश्वत दे केस विच अंदर पता नहीं केस सच्चा कि झूठा, इह तां अखबारां दस रहीआं पर हजे अंदर आ उहनूं हो सकदा उपरली अदालत तों जाके छोट मिल जाए। पर पहली खबर आप भारत की राजस्थान की तुहाडे नाल सांझी करनी है। खबर बड़ी अजीब आ। असी जानते हैं कि डिवेलपिंग कंट्रीज दे विच रिश्वत ज कुछ इदा दीआं गल्लां हालांकि पूरी दुनिया के आम होंदियां इहदे विच गल्लां आम चलदियां रहिंदियां कि किसी ने रिश्वत लै ली उहनूं फिर सज़ा होगी अंदर चले गए। राजस्थान के एक एस डी एम नूं रिश्वत के मामले के गिरफ़्तार किया गया। मामला बड़ा दिलचस्प आ। इहदा नाम पिंकी मीणा आ एस डी एम का, इस कुड़ी का बड़ी यंग जी उम्र के एस डी एम बन गई। पढ़न बहुत हुशियार सी, सधारण परिवार के इन्नी हुशियार सी कि उम्र तो पहले ही जिहड़ा ये अपना वो क्लीयर कर गई एग्जाम आर ए एस का, जिहड़ा राजस्थान का एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसिज़ का एग्जाम आ। तो एक बार ये को एस डी एम नहीं बनया गया, फिर दोबारा इन्हें क्लीयर किया क्योंकि उम्र पूरी हो गई जी, फिर एस डी एम बनी। दिलचस्प गल की आ कि उत्थे एक हाईवे दिल्ली मुंबई हाईवे बन रहा, उस एक कंपनी इनवॉल्व आ, वो काम कर रही है। दोष ये लग्या कि इस एस डी एम ने तो एक ये होर एस डी एम इन दोवां ने उस कंपनी तो रिश्वत मंगी है कि सानू पैसे दिते जाण तां असीं तुहाडे जिहड़े प्रोजेक्ट पास कर रहे हैं तां तुहाडियां फाइलां पास कर रही हैं। कोई वड्डी गल नहीं, आम ही हो जाता उत्थे। 5 लाख 10 लाख कहिंदे, दसदे आ 5-5 लाख इन्हां दोवां एस डी एम्स ने आपस दे विच वंडणा सी। पहलां भी इहदा नाम कुछ रिश्वत दे केसां दे विच कथित तौर पर कुछ अखबारां दीआं खबरां दे अनुसार आया। कहिंदे रकम भी मर्जी नाल वधा दिंदी सी जदों जी करदा, पहलां 6 लाख मंगे सी, बाद च कहिंदी नहीं खर्चे वध गए, हुण तुसीं सानूं 10 लाख रिश्वत दिओ। ये जिहड़ा हैगा पिंकी मीणा बांदी कोई आ उत्थे राजस्थान दे विच जगह जिथे एस डी एम आ, सब डिविजनल मजिस्ट्रेट आ। मामला की आ कि हुण जेल दे अंदर आ, 6 दिन पहलां इहदी जमानत हुई आ। जमानत 6 दिन पहलां हुई आ ते 16 फरवरी नूं इहदा विआह आ। सो जमानत इस करके उन्हें दिती गई है कि जिहड़ा तेरा विआह रख्या आ, विआह तय किया गया, तू अपना विआह करवा ला। हुण 16 फरवरी नूं विआह आ, 12 फरवरी नूं हल्दी ते मेहंदी आ जिहड़ी उन्हां दी रस्म हुंदी आ, फिर 16 नूं विआह होना ते 21 तरीक नूं उन्हें वापस फिर जेल 'च चले जाणा क्योंकि जमानत उन्ने दिनों की ही मिली है। रिश्वत लेना को नवीं गल नहीं हुंदी रहिंदी आ, पर जेल दे विचों छुट्टी लै के बाहर आके विआह करवाउणा ते विआह करा के फिर उहदे तों बाद 21 फरवरी नूं वापस उन्हें जेल दे विच चले जाणा ते विआह भी इहदा जज दे नाल हो रहा। सो अपने आप दे विच काफ़ी दिलचस्प खबर यह लगती है कि एस डी एम रिश्वत दे केस विच अंदर, पता नहीं केस सच्चा कि झूठा, ये तां अखबारां दस रहीआं पर हजे अंदर आ उहनूं हो सकदा उपरली अदालत तों जाके छोट मिल जाए। पहली छोटी अदालत दे विच जिहड़ी हेठली अदालत हुंदी आ उहदे विच उन्हें यह कहा कि सानू मैनू जिहड़ी इह जमानत दित्ती जाए, पर उन्हें जमानत नहीं दित्ती। फिर उपरली अदालत तों उहनूं जमानत मिली आ ते उन्होंने कहा कि तुसीं विआह 12 नूं हल्दी, 16 नूं विआह ते उहदे तों बाद 21 तरीक नूं वापस जेल दे विच फिर आ जाओ ते विआह भी जिहड़ा उह जज दे नाल हो रहा। सो रिश्वत दीआं खबरां बहुत सारियां हुंदियां, कई गल्लां बातां हुंदियां, पर जेल दे विच बाहर आ के विआह करवाउणा ते विआह करा के फिर दोबारा जेल दे विच चले जाणा या अपने आप दे विच थोड़ी जी अजीब खबर भी सानूं किते ना किते लगदी है। ਸਾਡਾ ਹਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵੇਖਣ ਤੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਲਈ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਚੈਨਲ ਪੰਜਾਬੀ ਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਬੈਲ ਆਈਕਨ ਵਾਲੇ ਬਟਨ ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ।